again very very important equation of a circle which is touching both the axes. अगर दोनों एक्सिस को टच करके जाएगा फिर क्या होगा? एच के दोनों सेम हो जाएंगे और रेडियस भी सेम हो जाएगा. जो एच है सो एच एच विल बी द सेंटर एंड एच विल बी द रेडियस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस तरह के चार सर्कल पॉसिबल हैं. इन एच एच यहाँ जाएगा तो माइनस एच यहाँ जाएगा तो एच माइनस एच. फिर इसके बाद हमारे पास अनदर इम्पोर्टेंट केसेस व्हेन सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. फिर क्या होगा? इन दिस केस इफ आई एम टेकिंग एच के इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं बचेगी क्योंकि अगर मैं इसे ओपन करूं यहां से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास सिंपली क्या टर्म्स आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई इज इक्वल टू जीरो. तो कभी आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो जब सर्कल की इक्वेशन को एज्यूम करोगे उसमें कॉन्स्टेंट को आप ऑटोमेटिकली पहले ही जीरो लेकर के चल सकते हो. फिर हमने नेक्स्ट केस किया था सर्कल इज टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन एंड सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस. फिर क्या हो जाएगा इसका रेडियस और सेंटर? सेंटर सेंटर एच जीरो एच जीरो रेडियस एच. इसी तरह से आपके पास ये वाला केस भी हो सकता है टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन एंड सेंटर इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस. सो डिफरेंट कंडीशंस हैं हमारे पास जिसके हिसाब से हमें अपना काम करना रहेगा. फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. क्या की बोला वो? स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. वॉट वॉज दाइनस वॉट वॉज द रेडियस? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तभी वैलिड है जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट्स यूनिटी होंगे. राइट. और एक चीज और under what condition does this equation represents circle? When h is zero. H is equal to zero, a equal to b. X into y की टर्म नहीं होनी चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट. माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो तब क्या होगा? सर्कल इज रियल सर्कल. अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है एक रियल वैल्यू हमें मिल जाएगी रेडियस रियल वैल्यू. सो सर्कल इज अ रियल सर्कल. इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बिकम्स इक्वल टू जीरो फिर क्या होगा? रेडियस जीरो. अगर रेडियस जीरो हो गया किसी सर्कल का तो जस्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट. इन दैट केस सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल. और कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट होगा उससे? जो सेंटर है. ठीक है ना, जो सेंटर है दैट इज द पॉइंट विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन.
नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी इज ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, फिर क्या होगा? देन सर्कल इज इमेजिनरी. अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो कोई रियल वैल्यू नहीं मिल सकती, रियल नहीं मिलेगी. रेडियस इमेजिनरी मीन सर्कल इज इमेजिनरी. अब जरा फटाफट से असाइनमेंट खोलो. क्वेश्चन नंबर 7. First, second, third, sixth, seventh. Number of circles touching the line y minus x is equal to 0. Y minus x is equal to 0 is this line passing through origin making 45 degree angle with x and y axis and the y axis. इसको touch करते हुए circle बनाने जितने मर्जी बनाते जाओ. So there are infinite such circles which are touching both y axis and the line y minus x is equal to 0. Equation of circle which touches the axis of y at the origin and passes through the point 3, 4. ऐसी कोई possibility 3, 4 से पास है. निकालने की जरूरत किधर थी? तुम पहले देखो, ये जो सर्कल है आपका ये ओरिजिन से पासिंग है और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है. पहले तो यही दो चीजें चेक कर लो. ओरिजिन से पासिंग में डेल्टा एलिमिनेट हो गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ गई उसमें. सी में सेंटर कहां पर लाई कर गया? कितना विचार कर रहे हैं. सी में सेंटर कहां पर है? y एक्सिस पर. सर्कल की इक्वेशन है सी ऑप्शन में
4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25y इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25/4y इज इक्वल टू 0, तो सेंटर कहाँ हुआ इसका? y एक्सिस पर, मुझे कहाँ चाहिए? x एक्सिस पर, तो c भी एलिमिनेट हो गया। पहले और दूसरे में एक तो तरीका है कि आप इसे प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, 3-4 पॉइंट से पासिंग है, पास करवा के देख लो कौन सा आंसर जस्टिफाई होता है, x को 3, y को 4, ठीक है, बीटा आंसर है। नहीं तो अदरवाइज भी क्या कर सकते थे, एच जीरो है आपका सेंटर, रेडियस किसके बराबर है, एच के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सारी इक्वेशन एच में आ गई, इस इक्वेशन में पुट करना है, वहां से इक्वेशन ऑफ सेट कर लेंगे, ठीक है। अगला देखो, हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट 2-1, ये सर्कल जिसका सेंटर इज एट 2-1, हुज वन ऑफ द पॉड, वन ऑफ द पॉड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक पॉड पहले वाले सर्कल की दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है। सर्कल ही होगा, किस सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस x इक्वल टू 0। मुझे ये रेडियस कैलकुलेट करना है, क्या ना है? क्या क्या बोला? सेंटर इज 1-3 एंड रेडियस इज 1+9-6 अंडर रूट, मतलब कि उसका रेडियस उससे बड़ा होगा, इसलिए आंसर 3। अगर मैं बड़ा भी दो तीन वैल्यू, सारी वैल्यू 2 से बड़ी होती, फिर यहां तो ठीक है, परफेक्टली ओके कि उसका रेडियस इससे बड़ा है, बट ये भी जरूरी नहीं है कि उससे बड़ा हो। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसके मिड पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस आ गया, ये आ गया पाइथागोरस से, ये आ गया। 6th
and then 7th. हाँ जी, डायमीटर्स गिवन है, वहां से क्या मिलेगा? मिल गया. और एरिया गिवन है, वहां से रेडियस मिल जाएगा. हो जाएगा क्वेश्चन. कितनी देर क्यों लग रही है? लैम्डा क्या होगा इसमें? जीरो. थ्री. लैम्डा जीरो. लैम्डा जीरो करने के बाद जो इक्वेशन बने, पहले उसको तीन से डिवाइड करेंगे, फिर आप सेंटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट. चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, दैट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स. इसका आंसर क्या आया है? आंसर आएगा जी इसका बीटा तीन. नहीं आ रहा? इक्वेशन बनी हमारी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस 21 इज इक्वल टू. अब तीन से डिवाइड करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू. अब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट आ तो रहा है थी. तीन से डिवाइड नहीं किया होगा. प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय द गिवन सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब
ठीक है जी. ए बी दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड सी डी इज द वाई इंटरसेप्ट. ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है. क्या इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? व्हाट शुड आई डू नाउ? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस लेंथ ए बी एंड सी डी. सर्कल की इक्वेशन पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन पता है, इतना काम सिर्फ मुझे पता है. क्या करो? सेंटर निकाल लो. माइनस जी माइनस है. सर्कल की इक्वेशन तो पता है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं. अच्छा फिर पाइथागोरस लगाऊं. एक सेकेंड ये जो डिस्टेंस हुआ ये हो गया. ए से ज्वाइन कर दो. अच्छा फिर हमें ये सी ए एज रेडियस पता है. ठीक है जी, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. चलो उसी से निकाल लो. चाहे सी ए क्या हो गया, सी स्क्वायर भी कर दें. दिस इज इक्वल टू सी डी. सी डी क्या होगा? इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना है? ये माइनस एफ. ठीक है, माइनस एफ का मतलब हो गया एफ स्क्वायर. सो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी. 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी. और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे? अब इसकी बजाय ऐसे कर दें. ठीक है जी, तो जो y इंटरसेप्ट है cd उसकी लेंथ आएगी 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c. लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इज 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c एंड लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इज 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c. सेंटर तो हमने cd जो लिया है जो cd है cd नीचे तो लिखना चाहिए. तभी माइनस एफ देगा. एक मिनट. ए बी रुक तो ये सेंटर है. इसको ए बी तक माइनस जी माइनस एफ है. ठीक है, ये माइनस एफ इसका डिस्टेंस कहां तक? नीचे तक होगा. ये वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा. हाँ जी, सो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स की जो लेंथ है ये आपको याद रखनी है. 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस. यूज आ जाता है से आपको किसी क्वेश्चन में बताना हो, से किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इंटरसेप्ट गिवन हो कि इंटरसेप्ट की लेंथ इतनी है, तो ऑप्शंस में से आप जस्टिफाई करवा सकते हो.
जी की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो आप आंसर में से एलिमिनेशन कर सकते हो कि ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज। जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी होना चाहिए। दिस इज अनदर चेक यू कैन अप्लाई। इफ सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, इफ सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस देन जी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी। कंक्लूजन नाउ इफ सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस फिर क्या होगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी होना चाहिए। एंड इफ इट इज टचिंग बोथ द एक्सेस फिर क्या होगा, तो एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो है, वाई इंटरसेप्ट भी जीरो है, तो उस केस में क्या हुआ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो कंडीशंस की वेरिफिकेशन आप बड़े प्यार से कर सकते हो अगर आपको कंडीशंस क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे। अब अगर आपको गिवन है सर्कल इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, या वाई को भी नहीं कर रहा एक्स इरेज नहीं करना, अगर सर्कल नीदर क्वेश्चंस अप्लाई करनी पड़ेगी वो कैसे होंगी, ये आपके पास सेंटर है एच के, ये है रेडियस, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हुआ के और ये डिस्टेंस हुआ एच। तो अब आपको कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी कि जो रेडियस है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी आप क्वेश्चन कोई नहीं कर पाओगे इसमें से, तो आपने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन